दस साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा देकर के, ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हो ही रहा, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर सही तरीके से हिसाब किताब लगाओगे, दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी। जो लोग हिंदी समझते होंगे, हिंदी को जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं कि अगर कुल मिलाकर के 543 सीटें लोकसभा की हैं और अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 543 में 400 पार कितनी बन रही है? ये 143 नहीं, इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा देकर के, ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हो ही रहा, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर सही तरीके से हिसाब किताब लगाओगे, दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी। जो लोग हिंदी समझते होंगे, हिंदी को जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं कि अगर कुल मिलाकर के 543 सीटें लोकसभा की हैं और अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 543 में 400 पार कितनी बन रही है? ये 143 नहीं, इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला है। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा देकर के, ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हो ही रहा, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर सही तरीके से हिसाब किताब लगाओगे, दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी। जो लोग हिंदी समझते होंगे, हिंदी को जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं कि अगर कुल मिलाकर के 543 सीटें लोकसभा की हैं और अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 543 में 400 पार कितनी बन रही है? ये 143 नहीं, इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी।